करें तो मतदान शुरू होते ही प्रतापगढ़ से गांव की खबर सामने आई और पहले सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के उप हमले की बात और इसके बाद कुंडा विधानसभा के कई बूथों में फर्जी वोटिंग कराए जाने का मामला भी सामने आया है। आपको बता दें कि सीट पर राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ गुलशन यादव को उतारा है। अब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल कुंडा विधानसभा के कई बूथों में फर्जी वोटिंग करवा रही है और एसपी ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत में कहा कि प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा के बूथों पर मतदाताओं को धमकी दी जा रही है। प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कुंडा में जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर हमला किया गया और बहुत से बूथों पर जनसत्ता दल के लोग दबंग किस्म के लोग हैं, वो लोग बूथों पर कब्जा किए हुए हैं। इस बात की चिंता करके हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, हम और हमारे चौधरी साहब मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, दोनों लोग अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये शिकायत दर्ज कराई है।